बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ का एक पॉपुलर कपल की भी 18 साल की शादी टूट गई है। हम दिग्गज अभिनेता रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और उनके दामाद सुपरस्टार धनुष की बात कर रहे हैं। पिछले 2 साल से कपल अलग रह रहे हैं, अब फाइनली उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। धनुष और ऐश्वर्या दोनों ही एक समय पर साउथ सिनेमा के परफेक्ट कपल कहलाए जाते थे, मगर अब 18 साल बाद दोनों की शादी टूट रही है। साउथ से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली धनुष ने रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से साल 2004 में शादी रचाई थी, मगर साल 2022 में कपल ने अपनी अलग कर ली है। दोनों ने ऐलान किया कि वो अपनी राहें अलग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 से 2024 साल तक अलग रहने के बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार धनुष और ऐश्वर्या ने आपसी सहमति से धारा 13वीं के तहत तलाक की याचिका चेन्नई की फैमिली कोर्ट में दायर की है और आने वाले दिनों में इनकी तलाक की याचिका पर सुनवाई होगी। कपल के 2 बेटे भी हैं और उनके साथ अक्सर ही कपल सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई अपडेट के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड मुस्कान को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।